नमस्कार, मैं सुष्मिता, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज नाउ। शुरुआत करते हैं देश दुनिया। मधुर फाउंडेशन ने मंगलम सिटी के 51 पौधे लगाए। लाइव न्यूज नाउ चैनल जयपुर। मंगलम सिटी के ब्लॉक में 51 पौधे लगाए। मधुर फाउंडेशन ने रविवार को डिवाइडर पर छायादार पौधे लगाए। संस्थापिका आभा स्वामी पौधा लगाने का कार्यक्रम लगातार कर रही है। इससे पहले सी ब्लॉक में 500 पौधे लगाए थे। मंगलम सिटी में जहां भी खाली जगह है वहां पौधे लगाए जाएंगे। इसके बाद मंगलम सिटी के अन्य जगह पर भी पौधे लगाए जाएंगे। हमारा लक्ष्य है हरा भरा बनाना। संस्था के सदस्य विजय स्वामी, लक्ष्मी स्वामी, रचना शर्मा, अथर्व शर्मा, निखिल, कृष्णा, गोरंश, केशव ने पौधे लगाए व पानी की व्यवस्था की। पौधे लगाना मुझे अच्छा लगता है। हाँ हाँ, मैंने आज 51 पौधे लगाए हैं। मैंने आज 51 पौधे लगाए हैं। कैसा लगता है आपको पौधे लगाना? अच्छा लगता है। अच्छा, पौधों से क्या फायदा होता है? ऑक्सीजन मिलती है और बारिश भी होती होगी पौधों से, छाया भी मिलती होगी। चलो आप बताओ। मेरा नाम गोरांश है। पेड़ लगाना हमारे को अच्छा लगता है। पेड़ से हमें छाया मिलती है, ऑक्सीजन मिलता है, पेड़ हमें फल देता है। और कितने पौधे लगाए हैं आज आपने? 51 पौधे लगाए हैं। तो इससे पहले भी आप पौधे लगा रहे थे? पिछले साल भी लगा और बीच में भी लगाया आपने पौधे? पाँच दिन पहले लगाए। और अपने बारे में बताइए आप। मेरा नाम निखिल है। मुझे पेड़ लगाना अच्छा लगता है और पेड़ हर जगह लगाता हूँ और छेद करके गड्ढा करके और वहाँ पर पेड़ लगाता हूँ। हमारी टीम, हाँ, और अच्छा लगता है। और टीम है हमारी, सब मदद करते हैं और सबकी, मैं भी मदद करता हूँ, सब जगह पेड़ लगाता हूँ और हरा भरा देखना चाहता हूँ पूरा मंगलम सिटी। और आज आपने कितने पौधे लगाए हैं? 51। मेरा नाम विजय कुमार स्वामी है। मैं प्राइवेट टीचर हूँ और मेरा एक एनजीओ है मधुर फाउंडेशन, में उसका सदस्य हूँ और उसके अध्यक्ष है आभा स्वामी। और अपने ये टीम है केशव, लक्ष्मी देवी और ये क्या नाम है, गुड़िया, निखिल, गोरांस और क्या नाम, और ये अथर और ये रचना जी, ये हमारी टीम के सदस्य हैं। और काफ़ी सदस्य हैं, वो जगह जगह कार्यक्रम करें पौधारोपण अपने फील्ड में। और अपने यहाँ पे क्या कि मंगलम सिटी के सी ब्लॉक में वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें क्या कि हम हर साल करते हैं, पिछले दो सालों से करते आ रहे हैं और हर साल की बातें अभी भी शुरू कार्यक्रम चल रहा है। अभी क्या वर्षा का मौसम है, अच्छा मौसम है, इस मौसम को देखते हुए हमने सोचा कि समय रहते हुए वृक्षारोपण करके तो वृक्षों की जो ग्रोथ है वो जल्दी हो जाएगी। और इसमें क्या पानी कम से कम देना पड़ेगा, पानी की बचत हो जाएगी, समय की बचत हो जाएगी। और जब भी हम पौधारोपण करते हैं हमारे सभी को मैसेज करते हैं तो मैसेज के साथ ही सारे बच्चे यहाँ पे आ जाते हैं और अपने एक साथ पौधारोपण का कार्यक्रम करते हैं। तो आज आपने कितने पौधे लगाए हैं? आज हमने कम से कम 51 पौधे लगाए हैं। और 51 पौधों में अलग अलग फूलों के भी हैं, कनेर के भी हैं, छायादार पौधे भी हैं और यानी जो स्थान है जिस लायक है उसी हिसाब से हमने पौधे लगाए हैं। जैसे जहाँ छाएँ के भी प्रवाह छायादार हैं, जहाँ फूलों के भी प्रवाह फूलदार है, जैसे गार्डन में लगाए हैं मंगलम सिटी के आगे, गार्डन में भी छायादार भी है, फूलदार दोनों है। जैसे पब्लिक लगे तो छाया के लिए उचित है और फूलों की खुशबू रहती है गार्डन में, उसके लिए बहुत ज़रूरत है। और हम क्या है कि जैसे ये बच्चे हमारे जैसे स्टूडेंट हैं वैसे तो, और हमारी इनके पास एक जैसे कोचिंग क्लास चलती रहती है, इनको पढ़ाते रहते हैं। और हमारा मिशन एक एजुकेशन चल रहा है जिसमें सब बच्चों को हम पढ़ाते हैं, उस मिशन में भी हम बच्चों विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं। और वृक्षारोपण करने के बाद में हम बच्चे पार्टी भी करते हैं छोटी सी, जिसमें बच्चों को जैसे चाय अभी कुछ अपने बच्चों से छोटे से उनकी इच्छाएँ पूछो कि आपने वृक्षारोपण क्यों किया है, ये बताएंगे अपने हिसाब से कब से करें। आप बताओ, आप अपने बारे में बताओ। बताओ बेटा, इधर इधर मेरे। हाँ बताओ बताओ। हाँ मैम, पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। अच्छा, और काफ़ी लंबे समय से पौधारोपण का कार्य कर रहे हैं। हाँ, और काफ़ी अच्छा लगता है कि भाई हम हर जगह हरियाली बना सकें और सब जगह अगर हरियाली होगी तो बारिश की जो समस्या है, पानी की समस्या है, तो वो नहीं होगी। और
और ऑक्सीजन की कमी है वो पूर्ति होती है, और हर जगह हरियाली होगी तो सभी को फ़ायदा होता है। और आज हमने 51 पौधे लगाए हैं और अच्छा लगता है, सब मिलकर पौधारोपण का कार्य भी करते हैं, क्योंकि एक से कार्य नहीं होता है, पौधे भी लगाते हैं फिर उसके बाद हम इनमें पानी की व्यवस्था करते हैं, लोगों की मदद भी लेते हैं, जिसे अकेला व्यक्ति पौधे काम तो कर सकता है लेकिन पानी डालना उसके लिए असंभव हो जाता है, तो हम लोगों की मदद लेते हैं कि एक प्रति व्यक्ति 4-5 पौधों की जिम्मेदारी लेता है और फिर उनमें वो अब उसकी व्यवस्था वो खुद ही करता है, उसकी देखभाल खुद ही करता है। अच्छा, मैंने सुना है आपके बारे में, आप बहुत मतलब पॉपुलर हो, आप जर्नलिस्ट भी हो, और आपके बारे में मैंने मधु फाउंडेशन के विषय में काफ़ी सुना है, चर्चित है, और वो शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रहा है स्लम बच्चों के लिए, तो उसके बारे में आप 2 शब्द क्या कहोगे? हाँ, हम काफ़ी टाइम से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और हमारा जो मेन उद्देश्य रहता है बच्चों की शिक्षा का रहता है, और हम बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देते हैं, हमारी क्लासेस भी चलती हैं जिसमें बच्चे निःशुल्क शिक्षा लेते हैं, और इसके साथ साथ ही हम अलग अलग कार्य भी करते रहते हैं, जैसे आज पौधारोपण का कार्य तो हम विशेष तौर पे करते रहते हैं क्योंकि हरियाली ज़रूरी है, पेड़ ख़त्म हो रहे हैं, लोग काटते जा रहे हैं, अपनी आवश्यकता के अनुसार काटते जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें पौधारोपण भी कार्य करना ज़रूरी है जिससे ये समस्या ना आए और भविष्य में हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए भी ये ऐसी समस्या ना हो, इसके लिए हम सोचते हैं कि हम नहीं, पौधारोपण ज़रूरी है, और हम दिन प्रतिदिन 50 पौधे 20 पौधे 30 पौधे ऐसे लगाते रहते हैं हर जगह पर। अच्छा, तो मैंने ये भी सुना है कि आपने कोरोना काल में कुछ विशेष कार्यक्रम किया था अपने फील्ड में और अपने आसपास के जयपुर फील्ड में, तो उसके विषय में भी आप कुछ मेरे को बताओगे जो आपने अभी कार्यक्रम किया है, क्योंकि जैसे कोरोना काल जैसी महामारी के विषय में सोचना और कार्य करना उसके लिए महाभारत है, यानी पहले सोचना ही बड़ी बात है, करना तो बुरी दूर की बात है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने कोरोना काल में किस प्रकार लोगों की मदद की और क्या क्या आप लोगों ने कार्य किया है आप और आपकी टीम ने? कोरोना काल में हमने लोगों को मास्क वितरित किए थे और कई कैंप भी लगाए, कम से कम हमने 10-15 कैंप लगाए थे, दिन प्रतिदिन 2 दिन का अंतराल देके हम कैंप भी लगाते थे जिसमें लोगों को मास्क वितरित करते थे, सैनिटाइजर बांटते थे हम, और इसके अलावा भी और कई कार्य भी करते रहते थे, जैसे थाने में हमने 150 मास्क बांटे थे कैदियों के लिए, क्योंकि उनके लिए अंदर मास्क की व्यवस्था करना थोड़ा असंभव हो जाता है, तो उन्होंने हमसे इच्छा जाहिर की थी कि आप कैदियों के लिए हमें मास्क दें, और हम मास्क देने गए उनको, तो उस समय ये कार्य करना थोड़ा संभव था क्योंकि हर जगह लॉकडाउन लगा हुआ था, तो हमने फिर भी हमें परमिशन लेके और लोग मास्क जगह जगह कैंप लगाकर हम सभी को मास्क वितरित किया। अच्छा, मैंने कहना जैसे मैंने आपसे थोड़ा सा एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही पूछना चाहता हूँ कि आपके मन में ये विचार कैसे आया कि आपने वृक्षारोपण लोगों की समाज सेवी कार्य बन गए? हाँ, मैंने सुना है आप जर्नलिस्ट हो, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने समाज सेवी का कार्य किस आधार पर शुरू किया, आपके अंदर किस तरह मतलब भावनाएं जागी, क्योंकि काफ़ी लोग देखते हैं स्वार्थी बन से ही कार्य करते हैं, लेकिन आप तो निस्वार्थ से ही काफ़ी टाइम से काम कर रहे हो, और आपकी मम्मी भी काफ़ी टाइम से निस्वार्थ से काम करती आ रही है, उनकी तो चर्चा ही हो। हाँ, मदर को देखा था, वो भी काफ़ी समाज के लिए बहुत ही काम कार्य करती हैं, तो उनको देख के हमें लगा कि नहीं वो करती तो समाज कार्य करते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप लोगों की मदद करते हैं, एक अच्छा अनुभव होता है, अच्छा लगता है, मन से अच्छा लगता है कि आप एक अच्छा कार्य कर रहे हैं लोगों के लिए। अच्छा, अभी आपके टीम में कुल कितने सदस्य हैं? हमारे कम से कम 50 के आसपास लोगों की टीम है, काफ़ी सदस्य हैं, और हम ऐसा नहीं है बड़ों को ही हम अपनी टीम में शामिल करते हैं, ऐसा नहीं है, हम बच्चों को भी खास तौर से करते हैं ताकि बच्चों के मन में भी एक कार्य को करने के प्रति इच्छा जागृत हो, वो भी अपने जगह में जहाँ रहते हैं बच्चे वो भी पौधारोपण के कार्य करें, हम करें उसके साथ में अलग अलग वो भी अपने स्थान भी कर सके। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप जैसे मैंने सुना कि आपने एक हनुमानगढ़ी में भी शाखा दे रखी है मिनी शाखा, और आप चाहते हो कि हिंदुस्तान के हर एक कोने कोने में आप अपनी एक पहचान बनाना चाहते हो, यानी शाखा देने चाहते हो, तो आप जनता को कैसे जागरूक करना चाहते हो कि विदाउट इन्वेस्ट यानी बिना किसी लालच के और बिना किसी प्रॉफिट के लोग आपसे जुड़े हो, हर क्षेत्र में आपको एक मिनी शाखा खुले आपकी? हाँ, हमारे एक हनुमानगढ़ में एक मिनी शाखा है,
तो वहाँ पे भी ये पौधारोपण कार्य बहुत अच्छे तरीके से होता है। वो भी कम से कम दिन प्रतिदिन 50 पौधे 150 पौधे 100 पौधे के आसपास लगाते रहते हैं। और वहाँ पे भी लगाने से ही हमें इच्छा हुई कि भाई हम जगह जगह अगर ऐसी शाखाएँ खोल देते हैं तो उससे लोग पौधारोपण का कार्य करेंगे, तो एक व्यक्ति के लिए जगह जगह जाना असंभव हो जाता है। तो अगर हम अपने एक सदस्य बना लेते हैं, एक टीम बना लेते हैं, तो हर जगह और हर क्षेत्र में जगह जगह कार्य होगा। पूरे भारत में जहाँ पे भी पौधों की समस्या है तो वहाँ पे। अच्छा, आप लोगों से क्या इच्छा जाहिर करना चाहते हो? मैं लोगों से बस यही अपील करना चाहती हूँ, अगर हम अपनी आवश्यकता अनुसार पेड़ तो काट रहे हैं, ये एक ज़रूरी चीज़ है, लेकिन अगर उसके साथ ही हम अगर एक पेड़ काटते हैं तो उसके संबंध में हमें 10 पेड़ और भी लगाने चाहिए, जिससे अगर ये ऐसे जो समस्या आ रही है पेड़ों की, तो वो पूर्ति हो जाएगी। और यही है कि लोग अगर पेड़ काटे तो पेड़ लगाए भी ज़रूर। अच्छा, तो चलो, थैंक यू।